ब्रेक बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। मेरे साथ इस वक्त भजन कलाकारों का वो ग्रुप मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस की सभा में भजन गाए। पगड़ी देखकर ऐसा लगा था कि राजस्थान से आए हैं, पूछा तो मालूम चला कि आप लोग मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। आपका नाम क्या? मेरा नाम है कालू राम बामनिया। हाँ। और मैं मध्य प्रदेश आया हूँ। हाँ। और कबीर की वाणी को लेकर एक इस धरना प्रदर्शन में शांति का संदेश जो कबीर ने मानव मात्र को एक ऐसा पैगाम दिया जो जाति धर्म पंथ संप्रदाय ऊंच नीच इनसे सबसे ऊपर उठने के लिए कहा, तो उसी को लेकर के आज मैं इस जो आपका पसंदीदा हो कबीर का भजन या जो यहाँ पे आपने गाया हो। नहीं, वैसे कबीर कहते हैं कि अगर मन को शमन कर लिया, उसको हल्का कर लिया, उसको अगर मजबूत कर लिया तो कहते हैं कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले, मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मनवा मगन हुआ फिर क्या बोले। बहुत खूब। सर्दी के जो सितम है उसके बीच भी एक कलाकार ही है जिसके सुर इतने बुलंद हो सकते हैं। आपकी टीम में बाकी और कितने लोग थे जो जिन्होंने यहाँ पर अभी कार्यक्रम में हिस्सा लिया? पांच लोग थे। अच्छा, पांच लोग थे। जो कब आपको पता चला था कि आपको यहाँ पर आना है और कार्यक्रम में? कल ही पता चला था और आस्मिक ग्रुप से यहाँ आना पड़ा। और आकर के यह कार्यक्रम। अच्छा, आपको मालूम है जो विरोध चल रहा है या जिस बात को लेकर नाराजगी है वो क्या है? नहीं पता, तो हम टीवी देखते हैं, आजकल मीडिया के माध्यम से सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन हमें लगा कि ये तोड़फोड़ मारकूट ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं किस कारण से यह जाना उपद्रव। आप अभी उस जमीन पर मौजूद हैं जिस शख्सियत ने, जिस महान हस्ती ने पूरी दुनिया को अहिंसा और प्रेम का, शांति का सबसे बड़ा संदेश दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और वहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि अभी देश भर में इस कानून को लेकर हिंसा भी हुई, जब आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, कुछ लोगों की जान भी गई है। एक कलाकार जब इस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जमीन पर खड़ा है, उसके मन से क्या भाव इस वक्त निकलते हैं? नहीं, कबीर का या महात्मा जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने एक ही बातें कही कि आपको भाईचारे की भावना से रहना है, शांति स्वरूप से रहना है और मिल करके रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आज तक से बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि आपने कम से कम यहाँ से जो अहिंसा और शांति के लिए कबीर के लफ्ज़ों में जो संदेश आगे दिया वो आगे दूर तक पहुँचे। धन्यवाद आप।